आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने वो वक्त आता है जब लड़की दर्द से गुजरती है जो कि जान निकलने के बराबरी होता है। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका बचपन एक्सप्रेस में। आज हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति वर्मा, उनसे जानते हैं कि पीरियड्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पीरियड्स, जिसको हिंदी में माहवारी या मासिक धर्म कहते हैं, अगर साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर हम और डिटेल में जाएं कि पीरियड्स क्यों और कैसे आता है, तो जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसके दोनों अंडाशय यानी ओवरीज में पहले से ही बहुत सारे अंडे मौजूद होते हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं। जब लड़की 11 से 14 वर्ष की उम्र पर पहुँचती है तो उसके शरीर में तरह तरह के हार्मोन सिक्रीट होने शुरू होते हैं। उन हार्मोन्स के असर की वजह से अंडे विकसित होने भी शुरू होते हैं। औसतन रूप से देखा जाता है कि अंडों में से केवल एक अंडा हर महीने पूरी तरह से मैच्योर होता है और गर्भाशय यानी कि यूट्रस में फूट के निकलता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था की तैयारी में अंडे बच्चेदानी की जो भीतरी हिस्सा होता है, जिसको इनर लेयर ऑफ यूट्रस कहते हैं, वो भी मोटा होना शुरू हो जाता है। यदि प्रेगनेंसी होती है तो वो मोटा होता चला जाता है और कोई स्राव नहीं होता। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, यानी कि ओवम को किसी मेल का स्पर्म नहीं मिलता है, तो ओवम यूट्रस के उसी भीतरी लेयर के साथ ब्लड यानी कि रक्त स्राव के रूप में बाहर निकल आता है योनि के थ्रू यानी कि वेजाइना के थ्रू। इसी सिक्रीशन को, जो हर माँ बराबर से होता है, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। जब पहला पीरियड हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या एडवाइस देंगी आप? जब भी किसी महिला का पहली बार पीरियड शुरू होता है तो जनरली उस महिला की उम्र कितनी होती है, 11 से 14 वर्ष तक, यानी कि वो एक बच्ची होती है। ऐसे में सभी माओं का या फिर बच्ची है उसके क्लोज गार्जियंस का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बेटी को पीरियड्स की उचित नॉलेज दें, उचित ज्ञान दें, उसको बताएं कि आखिर पीरियड्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उचित समय पर सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स का यूज़ बताएं ताकि वो इन्फेक्शन या संक्रमण से बच सके। हमारी एडवाइस ये भी रहेगी कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। सेक्स एजुकेशन के अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन की भी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस दर्द से जब गुजरते हैं तो ज़्यादातर लड़कियाँ महिलाएँ पेन किलर का इस्तेमाल कर लेती हैं, तो पेन किलर से क्या प्रभाव पड़ता है उनकी बॉडी पर? आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब पीरियड्स होता है तो पेट के निचले हिस्से में सामान्य रूप से हमेशा दर्द होता है। किसी किसी को बिल्कुल दर्द नहीं भी होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत दर्द है या कभी कभार दर्द है तो थोड़ा बहुत पेन किलर्स लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। हालांकि पेन किलर्स भी हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत पेन किलर्स लेना नुकसानदायक नहीं है। परंतु यदि अगर हर महीने उसको तेज़ पेट दर्द की कंप्लेंट हो रही है या फिर पेट दर्द के अलावा उसका रक्त स्राव यानी कि ब्लड फ्लो ज़्यादा है, बुखार आता है या कोई भी अन्य लक्षण आते हैं, तो उसको अपने मर्जी से बहुत पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए। उसको तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स के खुद अपने अलग कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि एसिडिटी होना, पेप्टिक अल्सर बन जाना, किडनी पे असर पड़ना इत्यादि और भी बहुत कुछ। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आती है कामकाजी महिलाओं को, जो कि सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहना पड़ता है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जिससे कि उनको पीरियड्स मैनेज करने में थोड़ा इजी रहे? जनरली हम देखते हैं कि पूरे घर का ध्यान रखने वाली महिलाएं अपने खुद शरीर संबंधित समस्याओं से बहुत अनभिज्ञ रहती हैं, अनजान रहती हैं। अक्सर इसका कारण ये देखा गया है कि खुले तौर पर पीरियड्स के बारे में डिस्कस न करना, हिचकिचाना, इसका मेन कारण यही है कि वो खुल के इस बारे में, इस विषय में चर्चा ही नहीं कर पाती हैं। कामकाजी महिलाएं हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं, जिनको घर से बाहर बहुत समय व्यतीत करना है, उनको सैनिटरी नैपकिन्स बदलने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर 6 घंटे पर सैनिटरी नैपकिन्स का बदलना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा हो या कम आ रहा हो। जैसे कि आपने बताया कि रेस्ट करने से आराम मिलता है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है हाइजीन का, कि पैड्स को कई जो हमारे पुरानी महिलाएं हैं वो सही नहीं मानती हैं, तो क्या पैड्स से हाइजीन में सहायता मिलती है? पीरियड्स के दौरान हम देखते हैं कि कई महिलाएं कपड़ों का इस्तेमाल करना बेहतर मानती हैं।
आज भी चाहे रूरल है चाहे अर्बन एरिया, कई महिलाएं कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन यदि कपड़े अच्छे से धुले नहीं गए हैं, बार बार धूप में सुखाए नहीं गए हैं, जो कि अक्सर महिलाएं नहीं अच्छे से कर पाती हैं, तो फिर इन्फेक्शन और बहुत अधिक जटिल बीमारियों के होने की संभावना होती है। तो ऐसे में हमारी एडवाइस यही है कि सबसे सेफ और सबसे हेल्दी ऑप्शन है सैनिटरी नैपकिन्स यानी पैड्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें विशेष केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन को भी सेफ रखते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ऐसे में सैनिटरी नैपकिन्स ही प्रेफरेबल ऑप्शन है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं कभी फादर के साथ कभी ब्रदर के साथ, मतलब मेल्स के साथ होती हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है प्रॉब्लम शेयर करने में, तो ऐसे में आप मेल्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे और हमारी जो फीमेल्स हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? अक्सर देखा गया है कि मेंसेस से लड़कों को क्या, उनको जानने की क्या ज़रूरत है कि मेंसेस क्या होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आखिर मेंसेस जिसको भी होता है वो कोई दूसरे ग्रह से तो आई नहीं है, वो मेल्स की ही सिस्टर होती हैं, मदर होती हैं, गर्लफ्रेंड होती हैं, वाइफ होती हैं, दोस्त होती हैं। तो मेल्स को इस पीरियड्स के बारे में मेल्स से शेयर करना कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी लेडी को मेंस्ट्रुअल क्राम्प्स हो रहे हैं यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है पीरियड्स के दौरान, तो उनको डेफिनेटली मेल्स से शेयर करना चाहिए। और जेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे स्थिति में लेडीज़ के साथ कॉपरेट करें, उनको समझें, उनकी बात को समझें, अंडरस्टैंड करें, उनको एक एडवांटेज दें। अब तो इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पैडमैन भी रिलीज़ होने वाली है, तो भाई अब अक्षय कुमार जब इतने खुले रूप में चर्चा कर सकते हैं पीरियड्स और पैड्स के बारे में, तब तो बाकी लड़कों को फॉलो ही करना चाहिए। तो बस हमारे यही आप लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ इसको एक नॉर्मल प्रोसेस समझें, लेडीज़ को इसका पूरा एडवांटेज दें और इसको बहुत ही टैबू या शर्मिंदगी के फॉर्म में ना लें। ये भी जैसे बाकी सब ऑर्गन्स हैं बॉडी में, लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, स्टमक है, वैसे ही एक ऑर्गन यूट्रस है और ओवरीज है, जो कि लेडीज़ में होता है, बहुत ज़रूरी ऑर्गन है, नहीं तो हम लोग का रिप्रोडक्शन, हम लोग की वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसी का एक नॉर्मल प्रोसेस पीरियड्स है, इसको एक कोई टैबू ना मान के एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस समझें। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया, पेन किलर्स के बारे में बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड सबसे मेन बात जो आपने बताई है जो कि कहीं कि मेल्स को में भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत हम लोगों को जानकारी दी।